हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई फाइनली आज आपकी डिमांड पूरी होने जा रही है। जो क्लासिक 350 पे लेमिनेशन मैंने करा रखी वो रिमूव करेंगे और न्यू लेमिनेशन लगवाएंगे, देखते हैं उससे कलर ख़राब होता है या नहीं। तो भाई काफ़ी मतलब रिक्वेस्ट भी आई और भाई अपने सब्सक्राइबर्स गुस्सा भी हो रहे हैं, भाई तू वीडियो नहीं ला रहा, ये है वो है। तो भाई सॉरी उसके लिए, तो वीडियो लेट हुई, तो आज आपके लिए फाइनली वीडियो लेके आ ही गए हैं। और आज कराते हैं इसमें लेमिनेशन और बाकी मॉडिफिकेशन भी कराएंगे। तो ये वाली वीडियो सिर्फ, ओ भाई साहब स्ट्रीट ट्रिपल, भाई साहब तो इसमें सिर्फ और सिर्फ लेमिनेशन होगी, लेमिनेशन डेडिकेटेड वीडियो है क्योंकि स्पेशल डिमांड थी आपकी। तो बाकी मॉडिफिकेशन आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएंगी। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा वो नहीं दिखाना चाहता आपको कि भाई कोई भसड़ फैले, तो इसलिए सिर्फ लेमिनेशन के ऊपर ये वीडियो होगी। अभी चलते हैं एक बार ह्यूज बाइकर्स पे, क्योंकि वहीं से लेमिनेशन कराई थी, वहीं से कराएंगे दोबारा लेमिनेशन। तो भाई फाइनली करोल बाग में आ गया था और बाइक का काम स्टार्ट हो चुका है। तो भाई ने इसकी सीट वगैरह तो निकाल दी, अब इसकी जो टैंक की लेमिनेशन है वो रिमूव करेंगे, देखते हैं इससे कलर ख़राब होता है या नहीं होता। एक बार भाई मेरा ही वेट कर रहे थे, तो एक बार स्टार्ट करते प्रोसीजर, तो देखते हैं इसमें कि लेमिनेशन रिमूव करने पर इसका कलर का क्या रिएक्शन है 6 महीने के बाद। तो भाई देख लो भाई, ऐसे के ऐसे लेमिनेशन निकाल रहा पूरी आपके सामने ही, ना इसको हीट किया भाई ने गन वगैरह से, जो हीट गन होती है उससे, और हाथ से ही खींच के प्रॉपर निकाल रहा। तो देखते हैं स्टिकर निकलते या नहीं, स्टिकर भी नहीं निकल रहे भाई इसके, जो रॉयल इनफील्ड वगैरह के ना, काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि स्टिकर वगैरह तो नहीं निकलेंगे। तो अभी तक देख लो कोई भी स्टिकर कहीं से भी भाई पील ऑफ नहीं हुआ है अभी, और कलर भी दिखा दूंगा जब भाई एक बार साफ करेंगे ना इसको। तो देख लो कितनी रफली निकाल रहे हैं वैसे, तो कलर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा अभी तक, तो हुआ नहीं है, आगे जब साफ करेंगे तब आपको पता चल जाएगा पूरा। पहले जब मैंने इस पे लेमिनेशन कराई थी तो सिर्फ टैंक पे कराई थी, अब जो इसका फ्रंट मड गार्ड है और जो टैंक है साइड पैनल्स है और पीछे वाला मड गार्ड है पूरी पे कराऊंगा, ताकि अपना पेंट बजा रहे और बाइक की जो लुक है वो भी ऐसी की ऐसी रहे। तो भाई अगर आपके पास कोई क्लीनर हो ना तो मैं तो वही रिकमेंड करूँगा, मैं अपनी बाइक पे तो एक्सपेरिमेंट कर लूँगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि पेट्रोल से साफ़ करो इसको, लेकिन देखते भाई पेट्रोल से साफ़ होने के बाद इसका क्या सीन है। और दोबारा पूरी बाइक को आज लेमिनेट कराएंगे, पूरी बाइक पे जो साइड पैनल्स वगैरह है ना सभी पे, इन पे सभी पे लेमिनेशन कराऊँगा आज, एक एक जो पार्ट है इसका। तो घर से तो भाई मैं यही सोच के आया था कि भाई हीट गन से एक बार इसको लेमिनेशन को थोड़ा सा गर्म करके तब रिमूव करेंगे, लेकिन इन्होंने तो ऐसे ही डायरेक्ट निकाल दी। लेकिन अब भी देख लो डायरेक्ट निकालने के बाद भी कलर पे कोई फ़र्क नहीं आया, तो एक्सपेरिमेंट तो हो गया, लेकिन आपकी भाई श्योरिटी होगी आपको कि ताकि आप अपनी बाइक पर करा सकते हो या नहीं करा सकते, क्योंकि काफ़ी बंदे ये पूछ रहे थे कि भाई लेमिनेशन निकालने पर कलर तो ख़राब नहीं हो जाएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक अपना कलर बिल्कुल सेफ है पहले जैसा ही, जैसा शोरूम से आता है। तो भाई देख लो अब फाइनली कपड़े से साफ़ कर रहा भाई, और पूरी जब ये टैंक साफ़ हो जाएगी ना तब आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि जो इसका कलर है वो कैसा है, अभी भी मैट है या शाइनिंग आ गई है उसमें, सारी चीज़ें मैं दिखा दूँगा आपको, बस एक बार साफ़ हो जाने दो उसके बाद दिखाता हूँ। तो आपको पता तो चल ही गया कि पेट्रोल से साफ़ कर रहे हैं और भाई कपड़े से भाई साफ़ कर रहा है। तो आप देख लेना, अगर आप लेमिनेशन निकलवाते हो रिमूव करवाते हो कभी, तो आप पेट्रोल से कराना चाहते हो पेट्रोल से करा लो, या फिर जो इसका कोई भाई मेरे को तो पता नहीं कोई रिमूवर आता है या नहीं, तो उससे अगर रिमूव हो जाता है ये जो इसकी ग्लू वगैरह रह जाती है, तो अगर उससे रिमूव हो जाती है तो कोई रिमूवर आपके पास तो उससे करा लेना। तो भाई फाइनली लेमिनेशन का काम स्टार्ट हो चुका है, और ये साइड के पैनल तो देख लो भाई ने क्लीन कर दिए, और टैंक को भी भाई ने पूरा साफ कर रखा है, तो ये ग्लोसी नहीं है क्योंकि देखो थोड़ा दिखा देता हूँ, यहाँ से जैसे ये है ना, जब मैंने लेमिनेशन नहीं कराई थी तो ये हल्के थोड़े से मार्क्स आ गए थे स्टार्टिंग में, तो वही है। तो क्लोज करने पे आपको दिख रहा होगा जो मैट कलर की जो लेयर होती है ना वो अभी भी इसके ऊपर है, मैट की लेयर पूरी, कहीं पर भी चेक कर सकते हो आप, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन से थोड़े से अलग दिख रहे दूर से, वैसे ठीक है। और अभी देख लो एक बार ये लेमिनेशन वगैरह पूरी कराएंगे, तो पूरी अब की बार जितना भी मड गार्ड वगैरह है
साइड के पैनल है, जैसे बैटरी कवर हो गया, ये साइड के टूल बॉक्स पैनल है और पीछे का मडगार्ड है, तो इस पर पूरे पे कराएंगे आप। और एक बार दिखा दूंगा इसकी क्वालिटी कैसी है। और पूरी ये नॉर्मल वाली लेमिनेशन नहीं है, मैट वाली है, तो अगर नॉर्मल करा देंगे तो उसकी लुक कुछ ऐसी हो जाएगी, जैसे भाई तो अभी आपको दिख रही होगी ये शाइनिंग कर रही है, तो ये फिर ये वाली उसी की तरह दिखेगी। देख लो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो ना, सेम वो हो जाएगी अगर नॉर्मल लेमिनेशन कराते तो। लेकिन ये मैट है, इसको कराने के बाद दिखाता हूँ बाइक की लुक कैसी निकल के आती है। तो भाई पूरा टैंक सिर्फ एक ही उसमें पोर्शन में हो जाएगा, एक पार्ट में ही, कोई अलग अलग कट पीस वगैरह नहीं लगा रहे भाई की, भाई कट कर करके लगाएंगे, तो पूरा एक ही पार्ट में इसको लेमिनेट करेंगे आप देख सकते हो। और वापस से अपनी ग्लोस, जो ग्लोस बोल रहा हूँ, मैट फिनिश है, वो वापस आ चुकी है दोबारा से, जो पहले लेमिनेशन मैंने करा रखी थी, तो यहाँ पर देख भी सकते हो आप। तो पूरी लेमिनेशन होने के बाद दिखाऊँगा कि पूरी मैट कैसे दिखती है भाई, वो जैसे कि साइड में ग्लोसी है ना, ये मैट है पूरे, देख लो ग्राफिक्स वगैरह सारे एज इट इज है, जैसे शोरूम से मैं लेकर आया था, कोई भी फर्क नहीं पड़ा अभी तक लेमिनेशन रिमूव करने से और लेमिनेशन करने से। 7-8 महीने मैंने लेमिनेशन रखी भी थी इस पर, दोबारा करा रहा हूँ, तो अभी तक तो कोई फर्क पड़ा है नहीं। तो आगे देखते हैं, और पूरी अभी होने के बाद फिर पूरी बाइक की लुक दिखाऊंगा कि भाई अपनी, जैसे सारे पैनल्स हो जाएंगे ना आज, तो उसके बाद आपको पूरी लुक दिखाऊंगा बाइक की। तो अब देख लो हीट गन से बाइक कर रहे हैं, तो कहीं पे भी कोई भाई स्क्रैच मार्क्स नहीं आएंगे इससे, देख सकते हो अभी। तो जो प्राइसिंग होगी वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, भाई से ही बात करा दूंगा, नंबर वगैरह दे दूंगा, अगर आपको कोई भाई दिल्ली से है वो कराना चाहता है तो आपको सारी प्राइसिंग वगैरह बता दूंगा। पूरी बाइक, अगर आप पूरी बाइक को लेमिनेट कराते हो तो उसका क्या कॉस्ट आता है, वो सारी चीज़ें आपको लास्ट में पता चल जाएंगी। तो वीडियो पूरी देखते रहना भाई, स्किप मत करना, कहीं पे अगर कोई ज़रूरी पार्ट होगा ना, कभी आप मिस कर दो और लेमिनेशन कराने जाओ तो दिक्कत हो जाए, तो एक एक चीज़ मैं आपको सारी समझा दूँगा आज इसमें। और भाई इसके बाद शिकायत मत करना कि भाई लेमिनेशन की वीडियो नहीं आई, लेमिनेशन के बारे में ये बताओ, ये सिर्फ लेमिनेशन डेडिकेटेड वीडियो कि मैट कलर को कैसे भाई हम बचा सकते हैं और ग्लोसी होने से उसको कैसे रोके। A few moments later. तो भाई फाइनली देखो टैंक पूरा लेमिनेट हो चुका है, और कहीं से आप बता भी नहीं पाओगे कि कहाँ से लेमिनेशन हुई है, बस यहाँ से कटिंग रह गई है, और जो लास्ट में इसके बॉर्डर वगैरह लगाएंगे ना तो लास्ट में करेंगे। तो पूरी टैंक पे देख लो कहीं पे भी कोई बबल नहीं है, स्टिकर पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे देख सकते हो, कहीं पे आप बता भी नहीं पाओगे कि लेमिनेशन हुई भी है, बिल्कुल क्लोज से देखोगे ना तब आपको लग रहा है भाई। और देख लो अब यहाँ पे देख लो और वहाँ पे देख लो, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है भाई। अभी साइड पैनल को अभी जो एक बार दिखा देता हूँ भाई, बार साइड होना था तो देख लो अब उसको भाई लेमिनेट कर रहे हैं पूरे साइड पैनल को। तो कई बार भाई जब आप लेमिनेशन कराते हो ना, तो जैसे ये स्ट्रेच मार्क्स है ऐसे, तो साइड से स्ट्रेच मार्क्स इसके दिखने लग जाते हैं, लेकिन भाई पूरा प्रॉपर करके देखा, जैसे देखा ये दिख रहे हैं ना, एक कटिंग वगैरह के बाद पूरा जब इस पर बॉर्डर वगैरह लगाएंगे ना तो पूरा एक्यूरेट करके दिखाएंगे आपको, और जितनी भी स्क्रैचेज इस पर पहले थी ना वो सारी रिमूव हो जाएंगे, अभी दिखेंगी नहीं, रिमूव तो नहीं होंगी लेकिन दिखेंगी नहीं अब। तो भाई अपना टैंक हो गया, साइड पैनल हो गए, एक बार देख सकते हो भाई साइड में बॉर्डर वगैरह भी लगा दिए, तो देखो टैंक देख सकते हो भाई, आप बोल रहे थे ना साइड में, यहाँ तक पूरी लेमिनेशन हो रखी है, और देख लो ये पूरा बॉर्डर बना रखा भाई। तो एक बार पूरी कंप्लीट हो जाए ना बाइक तब दिखाता हूँ और पूरी प्राइसिंग वगैरह बताता हूँ। तो अपने एक भाई की और आ रखी है, ब्रांड न्यू बाइक है, तो भाई को सजेस्ट कर दिया कि अभी लेमिनेशन करवा लो, और अपनी को देख लो 6 महीने कंप्लीट हो गए, लेकिन भाई की अभी आई थी तो मैंने बोल दिया भाई पूरी लेमिनेशन करा लो, देख लो अभी देखोगे तो इस बाइक में एक भी स्क्रैचेज नहीं है। अगर आप शोरूम से लेके आते हो ना और उसी टाइम करा लोगे तो भाई आपका जो पूरा पेंट है ये एज इट इज सेम रहेगा, लेमिनेशन करा लेंगे तो भाई भी अपना सेम प्रोसीजर जो हमने करवाया ना सेम वही करा रहा है, जैसे अपना मडगार्ड हो गया, साइड पैनल हो गए, रियर मडगार्ड हो गया, तो भाई भी सेम करा रहा है भाई। तो एक बार दोनों बाइक हो जाती है और पूरा प्राइसिंग वगैरह लास्ट में बताऊँगा आपको।
तो अपनी का तो टैंक हो गया, साइड पैनल हो गया, बाइक अभी स्टार्ट हुई है, बस टैंक अभी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार देख लो करते टाइम भाई ऐसी होती है पूरी, और यहाँ पे पूरा 0-0 हो जाता है ताकि कोई स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए इसमें टैंक वगैरह में। तो एक छोटा सा काम भाई ये करवाया है, जो इसका मीटर का जो ग्लास है ये भाई स्क्रैच ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा इसको स्मोक ब्लैक कलर में रैप करवा दिया। तो एक बार दिखा दूंगा, ये ऊपर की जो लेयर लग रही है ना ये हट जाएगी पूरी, और लगने के बाद दिखाता हूँ। ज़्यादा ब्लैक नहीं करवाया, हल्का हल्का स्मोक ब्लैक कराया ताकि इसमें जो इसकी स्पीड वगैरह है नाइट वगैरह में विजिबल रहे, दिन में भी और नाइट में भी। तो एक बार लगने के बाद परफेक्ट होने के बाद बताता हूँ भाई। तो भाई देख लो कटिंग के बाद प्रॉपर आ गया, लेकिन इसके ऊपर अभी जो प्रोटेक्शन लेयर है ना वो अभी हटाई नहीं है भाई ने, वो बाद में हटाएगा, और अभी देख लो हटा देगा, एक बार देख लेना उसके बाद देख लो भाई। बिल्कुल ना तो स्क्रैच होगा कभी इसका ग्लास, और दिखने में भी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अभी इसको भी साफ कर रहे हैं भाई छोटे वाले को। The next day. तो भाई कल अपनी बाइक में लेमिनेशन कराई थी, मॉडिफिकेशन कराई थी, आज एक बार पूरी डिटेल दे देता हूँ कि लेमिनेशन कितने रुपए की हुई है पूरी बाइक पे, और अगर आप टैंक पे कराते हो तो उसकी कॉस्ट क्या आती है, और लेमिनेशन में क्या फ़र्क है कि कौन सी करानी चाहिए कौन सी नहीं करानी चाहिए, और बाकी एक्सेसरी की भी थोड़ी थोड़ी डिटेल दे ही देता हूँ। तो एक बार बाइक की वॉक राउंड वीडियो देखो, क्योंकि कल भाई ज़्यादा लेट हो गया था और वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज बाइक को एक बार यूज़ भी कर लेते हैं, लेमिनेशन वगैरह देख लेते हैं भाई कैसी हुई है। तो अभी एक बार आपको वॉक राउंड दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे लेमिनेशन कराई है, और उसके बाद प्राइसिंग बताऊँगा। तो भाई आज मैं रॉयल इनफील्ड के शोरूम में गया था, तो वहाँ पे वॉशिंग कराई, चेन लूप वगैरह कराई, क्योंकि कल की राइड है, आज हमारी राइड नहीं हो पाई, आज किसी रीज़न से मैं नहीं जा पाया था, तो कल की राइड है इसलिए मैंने बाइक की वॉशिंग कराई है, और उन्होंने पूरा इंजन देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू चमका दिया है, और ऊपर ये भाई थोड़ी सी कोई कपड़े से साफ करी होगी ना, तो भाई वो पता नहीं कौन सा कपड़ा था, कोई पॉलिश वगैरह वाला था, तो ये लेमिनेशन के ऊपर हुई है, ये हट जाएगा जैसे ही मैं अगर किसी माइक्रोफाइबर क्लोथ से साफ करूंगा ना, तो ये साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ग्लोसी नहीं है ये, इसलिए ये ग्लोसी लग रहा है क्योंकि मैंने बाइक की वॉशिंग कराई थी आज। तो जो बाकी मैट एरिया है ना जहाँ पे लेमिनेशन नहीं हो रखी वहाँ पे देख लो ग्लोसी नहीं है, तो बस ये लेमिनेशन पे थोड़ा सा ग्लोसी फील हो रहा है, जैसे मडगार्ड पे हो गया और इस पे हो गया, तो इतना देखने में नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन की वजह से ज़्यादा दिख रहा है, तो वॉशिंग कराने के बाद ऐसा सीन हो रखा है। तो अब एक बार मैं बता देता हूँ, मडगार्ड पे लेमिनेशन कराई है आप देख सकते हो, तो ये वाला जो एरिया है ये उन्होंने भाई टेपिंग कर रखी है, बॉर्डर वगैरह बना देते ताकि लेमिनेशन आपकी हटे ना, तो ये हल्के हल्के देखो 2-3 जगह बबल्स आए हैं, क्योंकि आज बाइक धूप में खड़ी कर दी थी मैंने गलती से, तो ये तो निकल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, और देख लो कहीं पे भी कोई बबल नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, एक दो यार रह ही जाता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आप बता भी नहीं पाओगे कि इस बाइक पर लेमिनेशन भी हो रखी है। पूरे मडगार्ड पर आप देख सकते हो, एक यहाँ पर बीच में कट है क्योंकि यहाँ तक ही लेमिनेशन उन्होंने करी थी, उसके बाद नीचे दूसरे पार्ट में करी थी, और यहाँ पे देख लो बॉर्डर पूरा बना रखा है, तो पूरा मडगार्ड हो गया। उसके बाद आप देख सकते हो टैंक पे कहीं पे भी कोई बबल भी नहीं है, आप चेक कर सकते हो कहीं पे भी कोई बबल नहीं है, बस यहाँ पे आज आ गए थे एक इस जगह पे, तो ये भी उन्होंने बोला, मैंने उनसे बात करी थी, बोले भाई निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आप बाइक जैसे ही लेके आओगे तो हम दोबारा हीट गन से इसको साफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो कल रात में तो नहीं था, धूप में खड़ी करी है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सिकुड़ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं से लेमिनेशन खींची नहीं है, तो बस ये थोड़े से है ना, तो पानी की वजह से थोड़ा सा भाई इसमें हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं वैसे। तो गाइज़ ये आपका फ़िल्टर कवर है, जो साइड पैनल्स है इस पर देख लो आप भाई, लेमिनेशन पूरे पर हो रखी है, और यहाँ पर देख लो उन्होंने बॉर्डर बना रखे भाई टेपिंग से, ताकि आपकी लेमिनेशन भाई खींचे ना या कुछ ख़राब ना हो, तो यहाँ तक देख लो पूरे उस पर लेमिनेशन कर रखी है, तो इतनी परफेक्ट लेमिनेशन हो रखी है ना भाई साहब, आप बता नहीं पाओगे कि लेमिनेशन हुई भी है, और एक पहले आप गैस करो कि कहाँ पे होगी लेमिनेशन, तो देख लो इतने से पोर्शन में लेमिनेशन कर रखी है भाई पूरी, ये भी सेफ्टी है, जो ये भाई मेन मेन एरिया पर मैंने लेमिनेशन करा रखी है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये भी साइड पैनल है, ये मेरी अंदर पहले स्क्रैचेस थी, बाकी यहाँ पे पूरे पे लेमिनेशन हो गई है, और इस पे पूरे पे बॉर्डर बना दिया, तो लेमिनेशन तो भाई एक नंबर ही हो रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टैंक देख सकते हो साइड से, और पूरी एक नंबर की भाई लेमिनेशन कर दी, यहाँ पे भी बिल्कुल पानी नहीं है। तो अब एक बार पूरी मॉडिफिकेशन बता देता हूँ, उसके बाद इसकी मैं प्राइसिंग बता दूँगा। तो अभी तक जो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कराई है, वो एक तो इसकी हेडलाइट है, बार एंड मिरर्स है, उसके बाद ये भाई जो इंडिकेटर्स हैं इन पे कवर आते हैं ये करवा रखे हैं, लेग गार्ड आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया है, उसके बाद जो ये भाई गियर सॉक्स होती बोलते हैं इसको, गियर लीवर सॉक्स होती है,
ताकि आपके शूज़ वगैरह ख़राब ना हो, इसलिए ये भी लगवा दी मैंने। उसके बाद जो ये भाई छोटे बल्ब है पार्किंग, तो ये करवाए हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे एक ये, जैसे अगर लॉन्ग राइड वगैरह करते हो तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है आपके लिए, तो 50 रुपये का ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद देख सकते हो स्मोक ब्लैक कलर में, इस पर मैंने लेमिनेशन करा रखी है, तो यहाँ पर कोई स्क्रैचेज नहीं आएंगे। और एक यहाँ पर मैंने हल्का सा एक्सपेरिमेंट करके देखा था ताकि ये भाई लेमिनेशन रुक सकती है या नहीं, तो स्मोक ब्लैक में देखो ये स्क्रैच दिख रही होगी आपको, तो अगर ये रुक जाती है जैसे मैं इसको हटाता हूँ वैसे, तो उसके बाद मैं इस पे पूरे पे करा दूँगा। उन्होंने बोला भाई एक बार ट्राई कर लो आप, अगर रुक जाती है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन वो है आपका एग्जॉस्ट, आप देख सकते हो भाई आफ्टर मार्केट इंदौरी एग्जॉस्ट है, फ्री फ्लो नहीं है, फिल्टर वाला एग्जॉस्ट है भाई। इसकी कॉस्टिंग है 1600 से 1700 रुपये भाई, वो डिपेंड करती है आप कहाँ से परचेज़ कर रहे हो। तो इंजन के लिए सबसे बेस्ट यही है फ्री फ्लो, अगर आप कोई भी लगवाते हो उससे बेस्ट तो यही है इंदौरी या फिर स्टोक एग्जॉस्ट आपका बेस्ट है। और बाकी पीछे से एक ये लगवाया था मैंने जो इसकी फोम है, तो ये भी 150 रुपये का, शायद 100-150 रुपये का। तो इतनी सी मॉडिफिकेशन मैंने करवा रखी है। अब आते हैं प्राइसिंग पे। तो गाइज अब करते हैं प्राइसिंग की बात। अगर आप लेमिनेशन कराने जाते हो पूरी बाइक पे, तो आपके भाई स्टेट वाइज डिफ़र करता है, लेकिन मेरे को पड़ी है भाई 1300 रुपये में, जिसमें कि आपकी मडगार्ड भी हो गया, टैंक भी हो गई, साइड पैनल भी हो गए और रियर मडगार्ड भी हो गया। अगर आप टैंक रैप कराते हो, टैंक पे लेमिनेशन कराते हो, तो वो है 600 रुपये या 500 रुपये जो भी आपका है। तो ये मैट वाली लेमिनेशन है, नॉर्मल वाली नहीं है, एक आती ग्लोसी में एक आती मैट में, तो ये मैट वाली है ताकि इसमें आपका कलर ख़राब ना हो, तो मैट वाली लेमिनेशन है। और आपने देख लिया होगा कि भाई लेमिनेशन कैसे रिमूव करी है भाई ने, कोई हीट गन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करी, डायरेक्ट निकाल दी। तो इससे यही है भाई कलर कुछ ख़राब नहीं होता, कुछ स्टिकर भाई कुछ ख़राब नहीं होगा। तो लेमिनेशन अगर आप कराते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया आपकी बाइक के लिए। और 1300 रुपये में पूरी बाइक आपकी रैप हो जाएगी अगर आप लेमिनेशन कराते हो तो। एग्जॉस्ट 1600-1700 रुपये का है, साइड मिरर्स भाई आपके 450 रुपये तक के हैं, और हेडलाइट आपकी 1800 रुपये तक की है। एग्जॉस्ट मैंने बताई दिया, अगर ये इंडिकेटर पे ग्रिल वगैरह लगवाते हो तो ये 250-300 रुपये तक की है। लेग गार्ड 850 रुपये का है, और 100 रुपये अगर आप इंस्टॉलेशन करवाते हो तो वहीं पर, तो 950 रुपये तक का है। तो यही था इसमें, और कुछ अगर रह गया हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गाइज़ लेमिनेशन बिल्कुल एंड हो रखी है मस्त वाली। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो की एंडिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी ऑसम सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइज़।